दोस्तों आईपीएल 2023 का मैच नंबर 66 पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पे आरआर की टीम ने 4 विकेटों से जीत हासिल की और इस जीत के साथ आरआर की टीम ने मुंबई इंडियंस, जो कि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए प्रबल दावेदार है, उन्हें पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 से बाहर कर दिया है। जी हां दोस्तों, आरआर की टीम पंजाब के खिलाफ जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 में पहुंच चुकी है। तो आखिर यहां से आरआर की टीम के कितने चांसेस है, क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, और शानदार शनिवार को 2 बड़े मुकाबले खेले जाएंगे जहां पे 2 टीम हमें प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती है, तो उन दोनों मैचों में क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियो होंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, प्लेऑफ्स की रेस काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट से सबसे पहले लेटेस्ट पॉइंट टेबल पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करेंगे। तो दोस्तों पॉइंट टेबल में फिलहाल नंबर 10 पर एसआरएच की टीम है, 13 मैचों में 4 जीत है, 9 मैचों में हार का सामना किया है। पहले ही एसआरएच की टीम प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है। उसके बाद नंबर 9 पर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, 13 मैचों में 5 जीत है, 10 पॉइंट से 8 मैचों में हार का सामना किया है। नेट रनरेट दिल्ली का भी काफी माइनस में है और वो भी पहले ही प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। उसके बाद पॉइंट टेबल में नंबर 8 पर पंजाब किंग्स की टीम है, आरआर के खिलाफ हार के बाद पंजाब की टीम भी प्लेऑफ्स की रेस से एलिमिनेट हो चुकी है, 14 मैचों में 6 जीत, 8 मैचों में हार का सामना किया है और 12 पॉइंट्स के साथ पंजाब की टीम ने आईपीएल 2023 का सफर खत्म किया, उनके मैचेस अब खत्म हो चुके हैं। उसके बाद पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर केकेआर की टीम है, 13 मैचों में 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स केकेआर के हैं, नेट रनरेट यहां पर -0.256 का है, जो कि केकेआर का अभी एक मुकाबला बचा है और प्लेऑफ्स की रेस में भी वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। उसके बाद पॉइंट टेबल में नंबर 6 पर खिसक चुके हैं मुंबई इंडियंस की टीम, आरआर की जीत से एमआई की टीम को एक पायदान का नुकसान हुआ है, 13 मैचों में 7 जीत है, 14 पॉइंट्स है, 6 मैचों में हार का सामना किया है, एमआई का नेट रनरेट यहां पर माइनस में है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, -0.128 का है। उसके बाद पॉइंट टेबल में नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम, आरआर के 14 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, इस दौरान उन्हें 7 जीत मिली, 7 मैचों में हार का सामना किया, आरआर के 14 पॉइंट्स हो चुके हैं और नेट रनरेट में उतना इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि काफी क्लोज जीत पंजाब के खिलाफ मिली। राजस्थान का नेट रनरेट पहले +0.140 का था, जिसमें से +0.008 का इजाफा हुआ है, यानी अब आरआर का नेट रनरेट +0.148 का हो चुका है, जो कि वो आरसीबी के नेट रनरेट को बीट नहीं कर सकी, नहीं तो वो टॉप 4 में भी पहुंच सकती थी। उसके बाद पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर आरसीबी की टीम, 13 मैचों में 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स है, नेट रनरेट +0.180 का है। नंबर 3 पर लखनऊ की टीम, 13 मैचों में 7 जीत के साथ 15 पॉइंट्स लखनऊ के हैं। नंबर 2 पर सीएसके की टीम, 13 मैचों में 7 जीत के साथ 15 पॉइंट्स उनके भी है और टॉप पर गुजरात की टीम, जो कि पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, 13 मैचों में 9 जीत के साथ 18 पॉइंट्स है और एक मैच अभी गुजरात का बचा है। तो कुछ इस तरीके से है आईपीएल का लेटेस्ट पॉइंट टेबल, जहां पे आरआर की टीम टॉप 5 में पहुंच चुकी है, एमआई की टीम नंबर 6 पर खिसक चुकी है। अब दोस्तों बात करें राजस्थान रॉयल्स के क्वालिफिकेशन सिनेरियोस की, तो दोस्तों अब आरआर के तो 14 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, वो 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सके, लेकिन 14 पॉइंट्स के साथ भी आरआर की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सकती है, कैसे, चलिए हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो अब आरआर के मैचेस तो बचे नहीं है, तो उनके हाथों में कुछ नहीं है, उन्हें दूसरी टीम के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। आरआर की टीम यहां पर चाहेगी कि एसआरएच की टीम एमआई को हराए और जीटी की टीम आरसीबी को हराए, लेकिन दोस्तों यहां पर आरसीबी का नेट रनरेट आरआर से अच्छा है, तो अगर 14 पॉइंट्स के साथ नेट रनरेट पर मामला अटकता है फिर भी आरसीबी की टीम क्वालिफाई कर जाएगी, तो इसके लिए जीटी की टीम को आरसीबी को कम से कम यहां पर 35 रनों से हराना होगा या फिर 18 गेंद रहते ही हराना होगा, तभी उनका नेट रनरेट जो है आरआर से माइनस में जाएगा और फिर यहां पर आरआर के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आरआर के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो यह है कि एसआरएच की टीम एमआई को हराए और जीटी की टीम आरसीबी को 35 रनों से हराए या फिर 18 गेंद रहते ही हराए, तो ही आरआर की टीम प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, आरआर के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांसेस सिर्फ 2% है, जो कि 2% भी मैं यहां पर ज्यादा बता रहा हूं, वास्तव में उससे भी बहुत ही कम है। अब दोस्तों शानदार शनिवार को खेले जाने वाले 2 मैचों की बात करें, तो शनिवार दोपहर को दिल्ली और सीएसके के बीच मैच खेला जाएगा और शाम का मैच केकेआर और लखनऊ के बीच खेला जाएगा। दिल्ली की टीम तो ऑलरेडी प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है और केकेआर के भी बहुत ही आउटसाइड चांसेस बचे हैं। केकेआर के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो हमने कल के एनालिसिस वाले वीडियो में डिस्कस की है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा, बाद में जरूर से देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों शनिवार का मुकाबला सीएसके और लखनऊ के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, डू और डाई मैच होगा। अगर सीएसके की टीम दिल्ली के खिलाफ जीती है तो 17 पॉइंट्स के साथ ऑफिशियली सीएसके की टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, टॉप 2 में भी वो खत्म कर सकती है। वहीं लखनऊ की टीम केकेआर के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीती है तो वो भी 17 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी, इनफैक्ट वो टॉप 2 में भी खत्म कर सकती है। लेकिन बाई चांस अगर सीएसके और लखनऊ में से कोई एक टीम हारती है और आरसीबी और एमआई की टीम अपना आखिरी मुकाबला जीतती है, तो फिर यहां पर सीएसके और लखनऊ में से कोई एक ही टीम प्लेऑफ्स में पहुंच सकेगी, जिस भी टीम का नेट रनरेट यहां पर अच्छा होगा वो प्लेऑफ्स में पहुंच सकेगी। मतलब कि दोस्तों शनिवार को सीएसके और लखनऊ की टीम को मैच जीतना ही जीतना होगा, अगर दोनों में से कोई एक टीम मैच हारती है तो
फिर वो 15 पॉइंट्स पर ही अटक जाएगी और पीछे दो टीम खड़ी है जो कि 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। तो अगर अपना भविष्य अपने हाथों में रखना है तो सीएसके को दिल्ली के खिलाफ और लखनऊ को केकेआर के खिलाफ जीतना होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर सीएसके और लखनऊ के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आरसीबी और एमआई में से कौन सी टीम प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, क्या दोनों टीम प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।